भारत के बाद अब अमेरिका में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठ रहे हैं, और यह सवाल कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके लाखों वोटों को डिलीट कर दिया गया। आप ही देखिए इस रिपोर्ट में आखिर अमेरिका में वोटिंग मशीन के साथ कैसे खिलवाड़ हुई और क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि उनके लाखों वोटों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से डिलीट कर दिया। उनका कहना है कि रूढ़िवादी समाचार नेटवर्क आउटलेट वन अमेरिका न्यूज़ की रिपोर्ट देख लीजिए, जिसमें इस बात की पूरी जानकारी है। देश भर में राष्ट्रपति ट्रंप के लिए डाली गई लाखों वोटों को डिलीट करने के आरोप के बाद से ही अमेरिका में अब एक नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि अमेरिका में 1974 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग की शुरुआत हुई। 1982 जी हाँ 1982 केरल में हुए उपचुनाव से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पहली बार चुनाव हुआ था, जिसके बाद लगातार ईवीएम से ही चुनाव हो रहे हैं। यह अलग बात है कि ईवीएम को हैक करने के लगातार दावे किए जा रहे हैं। भारत में लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, और अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने करीबी दोस्त, जिनके लिए इंडिया से ही कैंपेनिंग की शुरुआत की गई थी, क्या उनके दावे पर प्रधानमंत्री और सरकार कुछ कह पाएगी, या विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार को एक बार फिर घेरेगा और अपनी ईवीएम के खिलाफ चल रही मुहिम को और गति देगा।